हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो कल का व्लॉग इन बिटवीन रह गया। दिवाली सफाइयाँ करते करते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब डस्ट की वजह से ना मुझे स्नीजिंग और होने लग गई। एज यू कैन सी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है। नाउ आई एम अबाउट टू क्लीन वंस अगेन, सो आई एम गोइंग टू क्लीन द बेड का बैक। ये बोल रहे हैं शाम के 5, मेरी तबीयत बहुत ओवर ख़राब हो रही है स्नीजिंग वजह से। आई थिंक आई शुड वेयर मास्क। शायद दवाई लेना भी भूल गई हूँ यार, दवाई लेती हूँ और मास्क पहन के। आई थिंक आई शुड लाइक कंटिन्यू दिस, आई जस्ट कंटिन्यू द क्लीनिंग। कल भी आधा बीच में छोड़ दिया था, मतलब साफ सब हो गया, सब कुछ साफ हो गया, बस लगाना छोड़ दिया था, मतलब सेट नहीं किया मैंने। लेट्स जस्ट डू दिस नाउ। पहले मेडिसिन ले लेती हूँ यार, कितनी मिट्टी है यार। लेट्स जस्ट स्टार्ट। Hi guys, so hi guys, आज का दिन बहुत ओवर हेक्टिक हो गया एंड इवन मेरी तबीयत आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है। सेम गोज़ फॉर नूर, सुबह ठीक थी, सुबह स्नीजिंग उसकी बंद हो गई थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग हो गई उसको शुरू ना। रात को नीचे क्रॉल करती है पूरा दिन। दो मैंने उसको फुल स्लीव्स बनाने शुरू करे हैं, जो पैरों वाले रोम्पर्स होते हैं जिसमें सॉक्स भी अटैच होते हैं, वो बना रही हूँ, बट स्टिल। एंड आई रियली वांट टू टॉक टू यू ऑल बहुत कुछ। आज ऑलमोस्ट घर की दिवाली की सफाई मैंने पूरी कर दी, सॉरी घर की नहीं, अपने रूम की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। आप लोगों से बात करनी है, बट आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ समथिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक एंड आस्क यू ऑल कि ये आप लोगों के साथ भी हुआ है या नहीं हुआ। आई हैव माई फूड फर्स्ट, देन आई कम बैक। हाय गाइस, सो या आई finally got some time to talk to you all. I'm all free now, so this is not rasna or mango juice, I'm having haldi wala pani and I decided to talk to you all. Actually since 2-3 days main aur noor jo bimar hai, dono bimar hai, and hua kya ki just जिस दिन ये बीमार हुई उस दिन मुझे सुबह, एक्चुअली आई एम परसुइंग समथिंग न्यू इन माय लाइफ, आई एम परसुइंग अ न्यू कोर्स। जस्ट अ मिनट गाइस, एज आई वाज सेइंग कि आई एम अबाउट टू लर्न समथिंग न्यू अगेन करियर वाइज। आई विल रिवील इट रियली सून, आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ। सो आई एम गोइंग टू परस्यू दैट एंड आई एम गोइंग टू लर्न दैट, एंड उसी से रिलेटेड मेरी क्लासेस थी 2 days back। आई हैड क्लासेस एंड मैंने रात को पूरी तैयारी व्यारी करी कि सुबह क्लास में जाना है। इट वॉज अ बिग डिसीजन टू टेक दिस क्लास बिकॉज क्लास 5-6 घंटे की है और नूर को 5-6 घंटे मेरे बिना छोड़ना इज़ अ बिग रिस्क, बट आई हैव टू एंड हैड टू टेक दिस रिस्क। तो मैंने रात को पूरी तैयारी करी, सब करा कि मुझे क्लास पे जाना है, एंड मैंने ड्रेस व्रेस सब तैयार करके रखी, सब किया। सडनली क्या हुआ, ये पूरी रात में मौसम चेंज हो रहा है, तो पूरी रात आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि इसको क्या हो रहा है, यहाँ इसको गर्मी लग रही है, यहाँ इसको ठंड लग रही है।
पूरी रात 2-3 बजे के बाद ये सो ही नहीं ढंग से, एंड पूरी रात ये टूटू टूटू करती रही, एंड देन सुबह 7 बजे सोई ये ढंग से। और जब मेरा 7 बजे का अलार्म लगा हुआ था उठने का, बिकॉज आई हैड टू वेक अप, आई हैड टू गेट रेस्ट, मेरी 11 बजे की क्लास थी, तो मुझे 1 घंटा तो आधा पौना घंटा तो क्लास में पहुँचने में लगता, मेरे घर से इतनी देर का रास्ता था, और इवन मेरे को तैयारी करनी थी, इसका बैग तैयार करना था, इसको मम्मा के घर छोड़ना था, सो दिस वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजर, इसलिए मैंने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया था। एंड व्हाट आई सॉ इज 7 बजे मैंने जब इसको उठाया, आई मीन हाथ में लिया, तो ये जाग रही थी, एंड शी वॉज हैविंग हाई फीवर, हाई फीवर नहीं कहूँगी, शी वॉज हैविंग फीवर, एंड देन मुझे भी देख, मैंने अपने आप को भी देखा तो मुझे भी फीवर हो रहा था, एंड मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी। बेसिकली मौसम चेंज की वजह से, मतलब ये ऐसा मौसम है ना कि पंखे में भी नहीं रहा जा रहा और बिना पंखे के भी नहीं रहा जा रहा, राइट? तो हमारा फीवर, उस दिन मेरी क्लास थी, एंड डेफिनेटली शी इज़ माई प्रायोरिटी, आई हैड टू कैंसिल द क्लास, द फर्स्ट क्लास, आई डिड नॉट गो फॉर द फर्स्ट क्लास, बट आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स आई वॉज फीलिंग पिस्ड ऑफ, आई वॉज फीलिंग इरिटेटेड, बिकॉज क्या हुआ, जब मेरी लास्ट टाइम क्लास थी तब भी नूरा वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एंड सो मैं बहुत एकदम पिस्ड ऑफ फील कर रही थी। एंड उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग इज कि सिंस शी इज़ ऑन, सिंस आई एम नर्सिंग, इट्स बीन 9 मंथ्स आई एम नर्सिंग हर, शी इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग अभी तक, एंड क्या होता है जब भी बीमार होती है, सो शी रिफ्यूज़ टू ईट एनी सॉलिड, एनी सॉलिड और एनी एक्सटर्नल आइटम एक्सेप्ट द ब्रेस्ट फीड, एंड when it happens it is good for her, it is relieving for her, I am happy and blessed to be doing this for her, definitely being a mother this is an opportunity that you can feed your baby, but it's been 9 months and it is actually taking a toll on my mental health, on my physical health, and I am feeling guilty of talking this right now, but I really know that I should not be feeling guilty because yes, every mother goes through this phase और हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आता है, एंड आई जस्ट वॉन्ट सम मी टाइम, आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री। सब लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा कि मैं उसको अपने काम पर लेके गई, एंड आई एम बींग ब्रेव, हैट्स ऑफ टू मी, मेरी जो वीडियोज़ मैंने इंस्टाग्राम पर डाली, द पॉइंट ऑफ पोस्टिंग दीज वीडियोज़ इज़ लाइक टेलिंग एवरी अदर वुमेन, एवरी अदर मदर दैट यू आर नॉट अलोन, इवन आई एम डूइंग दिस इफ आई एम वर्किंग, सो आई एम वर्किंग विद माई किड एज वेल, आई हैव नो एक्सक्यूज, आई हैव टू वर्क देन आई हैव टू वर्क, अगर मेरे पास बच्चा है तो मैं तो भी काम कर रही हूँ, सो इसलिए आप अकेले नहीं हैं। सो मेरा रीज़न ये था ये व्लॉग या वीडियो डालने का, बट डेफिनेटली I want some me time, definitely I really want to be free, I really want to be set free, because breastfeeding ki wajah se she doesn't stays up with anyone, किसी और के साथ नहीं रहती, at one point she needs me, she starts crying like hell, बीमार होने के बाद she doesn't have anything except my feet, she refuses everything, like refuse, like literally refuses, she cries like hell, cries her throat out, so yeah, ये सब बातें करने का reason ये था कि I really want to ask you all, is this happening with you? Like it does this happen with every mother out there? I know बहुत सी mothers हैं जिनके पास जापा है, जिनके पास बच्चा टेक केयर करने का टाइम है, मेरे पास, मुझे 40 दिन में कोई जापा नहीं मिली, दैट वॉज माई अनफॉर्चुनेट टाइम कि मुझे कोई जापा नहीं मिली, आई टुक केयर विद माई मदर ऑफ दिस बेबी, मेरी माँ के साथ मम्मा ने इसकी हेल्प, मम्मा ने इसकी केयर करी है 40 डेज, एंड वही होता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को आदत ही नहीं है किसी और के हाथ में रहने की, एंड ये मेरे साथ ही रही है ऑल द टाइम, एंड उसके ऊपर सोने पे सुहागा ब्रेस्ट फीडिंग, एंड अब शी इज़ सो एडिक्टेड टू इट दैट शी डजंट वांट टू लीव मी, शी डजंट वांट टू लिव विदाउट मी एज वेल, मतलब एक मिनट के लिए भी इधर उधर हो तो शी वॉन्ट्स टू फाइंड मी आउट,
आई जस्ट रियली नीड अ सोल्यूशन गाइज. एनी न्यू मॉम्स आउट देयर और एक्सपीरियंस मॉम आउट देयर, दोज देखो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. दोज हु हैव बीन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर रियली लॉन्ग, या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बेबी इज अनेबल टू लीव ब्रेस्ट फीडिंग एंड यू आर यू वॉन्ट टू लीव इट, एंड मतलब प्लीज़ कुछ ऐसा इसी का एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ हेल्प मी आउट हाउ टू स्टॉप हर फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग और हाउ टू एक्चुअली मेंटेन माई मेंटल हेल्थ और अपने आप को कैसे मनाऊँ कि ओके ये फेज भी निकल जाएगा बिकॉज आई एम गेटिंग रियली पिस्ड ऑफ. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, बिकॉज शी नीड्स मी ऑल द टाइम ऑल द टाइम. जब तक ऊपर की फीड ले रही थी तो समझ आता है, जब उसको सोना होता है या कुछ भी अगर इसको छेड़छाड़ हो जाए तो शी नीड्स मी, शी नीड्स माई फीड. एंड अब बीमार होने के बाद तो 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया ऊपर का, कुछ भी नहीं, एंड शी जस्ट नीड्स माई फीड, दैट्स इट. लेट मी नो प्लीज़ गाइज, लेट मी नो. एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो यार प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर देना मैं क्या करूँ. Until the next one, I love you all. Bye.